मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने चैनल बीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डिसीजनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन एक्चुअल डिसीजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी डिसीजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिसीजनल स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि किसी कंडीशन के बेसिस पर आपको कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर करें। लेट सपोज अगर हम बात करें अपने परसेंटेज की, अगर हम अपने पेपर्स भी देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर आपके 33% नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं तो आप पास कंसीडर किए जाते हो, और अगर 33% से 1% भी कम है, पॉइंट भी कम है 0.1, तो इसका मतलब क्या होता है, आप फेल हो। अगर ऐसी सी कंडीशन है जहां पर हमने सेट कर दिया एक क्राइटेरिया कि ये अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा होगा, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं डिसीजनल स्ट्रक्चर। दोस्तों, हमारे पास वैसे तो बहुत तरीके के डिसीजनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले डिसीजनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। बेसिकली इफ स्टेटमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आज की क्लास में हम इसका पहला टाइप पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं इफ देन स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके सिंटेक्स के साथ। देखिए, सिंटेक्स में, सिंटेक्स मीन्स स्ट्रक्चर कि हम आपका इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कीवर्ड होता है इफ, जिसको लिखा जाता है। उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन लिखनी है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेमी कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन, और उसके बाद कॉलन के बाद हमारी होती है इफ की, इफ स्टेटमेंट की बॉडी, मतलब जितनी भी आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट इंसर्ट करनी है यू कैन इंसर्ट। यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मगर आप दो से ज्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको पहला एग्जांपल दिखा रही हूँ। मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपके पास होने के मार्क्स हैं 33, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ मार्क्स, जिसको मैंने एक वैल्यू असाइन किया जो कि है 50, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं चेक कर रही हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, या मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ जो हमारा मार्क्स वेरिएबल है उसके अंदर कितनी वैल्यू है। आपकी वैल्यू इस टाइम क्या है, 50। नाउ इट इज चेकिंग 50 इज ग्रेटर देन 33, यस ऑब्वियसली, इसका मतलब इट दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, अदरवाइज हम एंटर नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है। देखिए, अगर ध्यान से देख रहे हो तो पहले हमने इफ लिखा है, फिर हमने कंडीशन लिखी, और कंडीशन के बाद जो मैंने आपको बताया कॉलन, हमने कॉलन लिखा है। इसके बाद क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसीलिए हम इफ पार्ट की, जो ये इफ ब्लॉक है, इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लाइन में लिखा है प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इस लाइन की वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा पहली लाइन के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे नजर आएगा यू आर पास, ठीक है ना। अगर लेट सपोज यहां पर तो क्योंकि 50 मार्क्स थे और ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, बट अगर यहां पर 50 मार्क्स नहीं होते, 33 से कम मार्क्स होते, तो हम क्या करते। देखिए, आइए इसको दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर एक और वेरिएबल लिया है, ये अलग पार्ट है बेटा, ये अलग पार्ट है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। मार्क्स को मैंने वैल्यू असाइन करी है 28, ठीक है ना दोस्तों। अब मार्क्स में क्या वैल्यू है, 28, पहले क्या थी, 50 थी, अब 28 है। अब क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन दोबारा लिख रहे हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 और कॉलन। इसमें क्या हो रहा है, हम मार्क्स में हमारा कितनी वैल्यू है, 28, हम चेक कर रहे हैं 28 इज ग्रेटर देन 33, नो, इट मींस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। बट स्टिल, क्योंकि यहां पर हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो पहले हम ग्रेटर देन के लिए भी चेक करेंगे,
अगर ये फॉल्स है तो हम फिर इसके लिए चेक करेंगे, क्या यहां तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, 28 इज इक्वल टू 33? नो इट इज नॉट, इट मींस दिस कंडीशन इज फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम यहां पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। मगर अगर इस वाले सिंबल की जगह अगर ये सिंबल होता इस तरीके से कुछ, मतलब लेस देन इज इक्वल टू, इस केस में क्या होता, 28 इज लेस देन 33, यस मींस कंडीशन बिकम्स ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो गई इसका मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, सॉरी ऑन द एज अ फर्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली ऑन द सेकेंड लाइन इसकी में क्या लिखा होगा, सो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पास। अच्छा चलिए एक और सिनेरियो देखते हैं, ये तो हो गया आपको कि कम है। अगर लेट सपोज यहां पर 28 की जगह 33 होते, मार्क्स ही 33 होते किसी स्टूडेंट के। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, मार्क्स इज लेस देन 33, क्या 33 लेस देन है 33 के? नो अब क्या करेगा, देखिए मैंने बताया ये लेस देन इज इक्वल टू है, अगर ये वाला ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हम इसके लिए चेक करेंगे। नाउ इट इज चेकिंग 33 इज इक्वल टू 33, यस नाउ कंडीशन बिकम्स ट्रू। एंड एज पर द कंडीशन, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम बॉडी के अंदर चले जाएंगे और बॉडी के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट सॉरी, और उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंट सो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पास। तो इसके अंदर नजर आएगा आपको कि सॉरी आपको पास कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इसमें बेसिकली हमने तीन डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए हैं, जिसमें पहले में किया था ग्रेटर देन इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने चेक किया लेस देन इज इक्वल टू, और लेस देन इज इक्वल टू में भी दो ऑपरेटर, पहले लेस देन के लिए वर्क किया फिर इज इक्वल टू के लिए वर्क किया। तो आई बिलीव इतनी तो बात समझ आई होगी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है ऐसे सिनेरियो में तो हम लोग इफ बॉडी के अंदर जाते हैं और अपने स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देते हैं। बगर आपको मैं बताना चाहूंगी हम हमेशा प्रिंट ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज करें ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम अगर कुछ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन परफॉर्म करना चाहें तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। तो आई बिलीव दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इफ स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर देखा है, अगली क्लास में हम इसका एक अनदर स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें आप थोड़ा सा अलग चीज देखेंगे, इससे डिफर करता है हल्का सा। तो वी विल लर्न दैट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।